जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबको कैसे हो आप सब। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्र, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज मैं आपके साथ कोई भी व्लॉग लेके नहीं आई, कोई रेसिपी लेके नहीं आई। आज मैं आप सबको मेरी और आप सबकी माता रानी की महिमा का गुणगान करने आई हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आप सबके काम की हो सकती है, जैसे मेरे काम की है वैसे आपके काम की भी हो सकती है। प्लीज स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नुकसान आपको ही होगा। तो आप सबने दो भजन की लाइन तो सुनी होगी ना, संसार का संचार है माँ वैष्णो माता, संसार का आधार है माँ वैष्णो माता, जन जगनी कल्याणी माँ वैष्णो माता। आप सब बताइए माता रानी को कौन कौन पसंद करता है और कौन कौन माता रानी से प्यार करता है। मैं तो बहुत छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी लोग को मैंने नवरात्रा के व्रत करते हुए, हमारे यहाँ पे बहुत फेमस राजेश्वरी मंदिर है वहां पे जाते हुए ध्वज लेके हम लोग रास्ते में पैदल जाते हैं, ध्वज यात्रा बोलते ना जिसको, निशान यात्रा चढ़ाना, तो वो देखा है हम लोग, किए भी है, मैं अभी भी करती हूँ। तो हम लोग मेरे यहाँ पे तो बहुत होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी से, लड्डू गोपाल से, विष्णु भगवान से मेरा बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है, श्याम बाबा से। तो आज मैं आप सबके साथ दुर्गा माँ के एक बहुत ही अद्भुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की बात करूंगी, उसको बोलते हैं दुर्गा सप्त सती पाठ। तो मेरे पास ये बुक है दुर्गा सप्त सती की, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ, ऑपोजिट में वैसे दिख रहा है, पीछे से ऐसी है। ये बुक मिलती है इजिली आपको, हर मार्केट में हर दुकान में मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, अमेजोन वगैरह में अवेलेबल है, मैंने चेक किया है। तो मैं तो यहाँ लोकल मार्केट से ली हूँ, आपको भी मिल जानी चाहिए। जहाँ पे है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्त सती भी अनादि पाठ है, ये ईश्वर से डायरेक्ट प्रकट हुआ है। इस ये पाठ बहुत ही शक्तिशाली पाठ होता है और इससे आपकी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण भी होती है। मेरी खुद की मनोकामना बहुत सारी पूर्ण हुई है, मैं इसको 5 या 7 साल हो गए मुझे करते हुए, उससे पहले मैं नहीं करती थी क्योंकि डुग्गू छोटा था, इसको थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे मेरा डुग्गू बड़ा हो गया, अब मैं ज्यादा पाठ वगैरह कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करता है। प्राण के माध्यम से दुर्गा सप्त सप्ती पाठ की जन सामान्य इंसानों तक, मनुष्यों तक ये पहुंचाया गया है और ये बहुत ही इजी होता है। ये संस्कृत में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। मेरे पास जो ये बुक है दुर्गा सप्त सती की, ये हिंदी में है, मैं हिंदी पढ़ती हूँ। मुझे संस्कृत में थोड़ा सा खुद को एक डर लगता है कि जब बहुत सारे बिंदु बिंदु इधर उधर होते हैं ना, बाई चांस गलत हो जाए। तो ये 700 श्लोकों में दिया गया है, इसके 3 भाग होते हैं टोटल, पहला चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, 3 चरित्र होते हैं इसके। पहला चरित्र में पहला अध्याय होता है, दूसरे चरित्र में दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय होता है, और बाकी जो होते हैं वो उत्तम चरित्र में होते हैं। एकदम सिंपल है और इस किताब के अंदर आपको मैं दिखा देती हूँ, इस किताब के अंदर सबसे पहले ये दुर्गा माँ के 108 नाम है, बहुत ही इजी है। मैं कुछ नाम आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, जैसे साध्वी, दुर्गा, सती, सूलधारिणी, पिनाकधारिणी, मन, बुद्धि, चिंता, चित्ति, सर्व मंत्रमयी, भवया, भवानी, इस टाइप से दुर्गा माँ के 108 नाम इस किताब में दिए हुए हैं। उसके बाद इसमें सबसे अच्छा है, आप एक बार पढ़ोगे ना आपको मन करेगा मैं बार बार पढ़ू इसको, मैं सब बातें आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद इसमें दुर्गा सप्त सती कवच, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट थी, मुझे 6 महीने तक इंजेक्शन भी लगी क्योंकि मेरे थायराइड बहुत हाई हो गया था, प्लस प्रेगनेंसी में शुगर भी आ गया था मुझे, तो मिसकैरेज ना हो जाए इससे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत मारे टफ था मेरा। 6 महीने तक मैंने वीक में 2 इंजेक्शन खाई आरएफ के लिए कि मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो तो मेरा चल ही रहा था, साथ में मैं बचपन से ही भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, तो मैं ये कवच रोज करती थी डुग्गू का नाम लेके कि मेरे आने वाले संतान की रक्षा करे ऐसा बोल के। और इसमें ना ये देखिए वो लिखा हुआ है, माकेन्द्र ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसे कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके। इस टाइप से ये पूरा पाठ है और बहुत ही इजी हिंदी लैंग्वेज में है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, जिसको हिंदी पढ़ना आता है ना वो ये पाठ कर सकता है। सेकंड अगला स्त्रोत्र, अगला स्त्रोत्र में माँ
है ना, रूपम देही जयम देही यशो देही नमोस्तुते, ये इस टाइप का पाठ है हिंदी में। इसकी भी मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा देवी नमस्ते, माने हे देवी समस्त प्राणियों का दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो, सर्व व्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो, मधु तथा केतव दैत्यों को दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो, आप हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि हम शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार है, माँ मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का नाश करो। इस टाइप से ये भी पाठ है। अगला स्तोत्रम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक मैं आपको बात बताऊंगी, खाली आप चाहो तो खाली ये अगला स्तोत्र और 108 दुर्गा जी के नाम, और ये शिव जी का है पीछे अर्थ कलिक स्तोत्रम, ये तीन पार्ट भी आप कर सकते हो। अगर आप पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करना चाहते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, या हो सकता है आपके बच्चे छोटे हो साल दो साल के, तो आप ये तीन पार्ट भी आप अपने रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करके करोगे ना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका काम धंधा अच्छा हो जाएगा, रुके हुए पैसे मिलते हैं, आपके काम धंधे में तरक्की होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना हुआ रहता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में आपस में प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा ये सब बहुत कम होता है। ये मैं माता रानी पे हाथ रख के बोल रही हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पिछले 5 या 6 साल से मैं इसको रेगुलर पढ़ती हूँ, ये तीन पार्ट को। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं नवरात्रा नवरात्रा पे करती हूँ, दोनों नवरात्रा जब आती है तब मैं, हमारे अष्टमी को कढ़ाई होती है तो 7 दिन के अंदर मैं इसके 13 अध्याय कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन ये तीन जो पाठ है, 108 नाम, अगला स्त्रोतम और उत्तम स्त्रोतम, ये मैं रोज पढ़ती हूँ सुबह में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से बाकी इसके जो दुर्गा सप्तशती के पाठ है, उसको आप बोलोगे कि अभी मैं ये कैसे करना चाहिए, तो ये पाठ अगर आप नवरात्रा से स्टार्ट करो ना, तो ये सबसे उत्तम फलदायी होता है नवरात्रा से देवी जी का करना। और अगर होता है कि नहीं, चलो आज जैसे मेरी ये वीडियो जब तक जाएगी पहला नवरात्रा हो चुका होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे नवरात्रा से भी मॉर्निंग से कर सकते हो, तीसरे नवरात्रा से भी कर सकते हो, जब मर्जी आप कर सकते हो, अगर आपको बुक मिल जाए। और बुक नहीं मिले तो यूट्यूब में इसकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, आप वीडियो भी डाउनलोड करके घर में चला के भी छोड़ दोगे ना, तो भी आपको पुण्य मिलता है। घर में ऐसी माने सुंदरकांड डाउनलोड करके चला दो, विष्णु सहस्त्रनाम चला दो, लक्ष्मी जी का कुछ चला दो, गायत्री मंत्र चला दो, तो भी आपका घर ना एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। जन होते हैं ना, ज्यादा ही एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो लोग भगवान पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कुछ कितने भी हो, साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन एक तो एक शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को एक समेट के रखे, ये तो आप बात मानोगे ना कि एक शक्ति इस दुनिया में ऐसी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखी है, है ना। भले आप कितने बड़े डॉक्टर हो, कितने बड़े इंजीनियर हो, कितने बड़े साइंटिस्ट हो, भगवान के आगे सबको झुकना पड़ता है कि नहीं। और एक बात मैं फ्रेंड्स बोलूंगी कि मैंने बहुत सारे जन को देखा है कि वो अपने बच्चों को छोटे से संस्कार नहीं देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, मैंने देखा है ऐसा, सीधा बोलते हैं अरे ये अपने पढ़ाई में बहुत बिजी है, इसके पास तो टाइम ही नहीं होता, ट्यूशन जाना, ये जाना, वो जाना, वो जाना, आपके पास ब्रश करने का टाइम है, नहाने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, फोन में चैटिंग करने का टाइम है, गप्पे लड़ाने का टाइम है, मुश्किल से 5 मिनट टाइम आपके लिए भगवान के लिए नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, मेरा डुग्गू भी यूज करता है, वीडियोस देखता है, बहुत कुछ करता है, ठीक है। मैं ये बात बोलूंगी कि हम छोटे से ही बच्चों को क्यों ना सिखाएं कि जब भी वो नहा के निकले थोड़ा सा प्रणाम करे मंदिर के आगे, और कुछ नहीं तो एक गायत्री मंत्र याद कर ले, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय याद कर ले, कोई भी एक मंत्र बच्चों को रेगुलर आना चाहिए। उससे क्या उनके अच्छे संस्कार होते हैं, प्लस उनको हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का पता चलता है कि हाँ हम हिंदू धर्म के हैं, हमें भगवान को मानना है, या कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, एटलीस्ट उस भगवान के घर में जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के आगे प्रणाम करना आना चाहिए, उस मंदिर के आगे सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको यही बात बताना चाहती हूँ कि आप एक बार ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करिए, अपने रेगुलर लाइफ में यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, इससे बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत सारा मैं बता नहीं सकती, मेरे खुद की लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ था बीच में, मैं बाद में कभी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पूजा पाठ करने से मेरा काफी कुछ ठीक हो गया है, मैं बहुत अच्छी लाइफ अभी जी रही हूँ। और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे मुझे किसी ने देखो बताया था, मेरी मम्मी को किसी ने बताया था, आज हमें कुछ अच्छी बातें पता है तो हमें उसके साथ शेयर करनी चाहिए, है ना।
शेयर करोगे, आप जितना अच्छा दूसरों के लिए सोचोगे ना, ऊपर वाला उतने अच्छे रास्ते आपके लिए खोल देगा। बोलते ना, आप किसी के लिए खट्टा को दोगे तो उस गड्ढे में आप खुद गिर जाओगे। उसी तरीके से आप अगर किसी के लिए एक अच्छा काम करोगे ना, तो भगवान जी आपके लिए 10 अच्छा काम, 10 अच्छा रास्ता खोज के रखेंगे। है, मैं ये चीज को मानती हूँ। इसलिए मुझे जो जो चीज भी आती है, मैंने मेरी मम्मी से सीखी, या मुझे टीवी का भी बहुत शौक है, मैं पंडित जी लोग से भी बात बात करती रहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी मुझे काफी शौक है, काफी चीज आती भी है मुझे। तो मैं चाहती हूँ ना फ्रेंड, जो चीज मुझे अच्छी चीजें आती है ना, मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जो जो पाठ मुझे पता है कि हाँ, इस पाठ करने से ऐसा हो जाता है, ऐसे संकट दूर होते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, शायद भारत के छोटे से छोटे बच्चों को भी मुझे वाली हनुमान चालीसा याद होगी। उसी तरीके से कुछ कुछ पाठ ऐसे हैं जिनके बारे में शायद अभी भी बहुत जन को पता नहीं है, वो दुख में है, तकलीफ में है। तो मुझे जो चीज पता है ना, तो मैं चाहूंगी मैं आप सबके साथ शेयर करूं, शायद मेरी वीडियोस देख के किसी का अच्छा हो जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, आप सब इसका जरूर पाठ कीजिएगा। इसके दुर्गा सप्तशती का बहुत पाठ बहुत इजी है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, पंडित जी को बुला के पाठ करना चाहिए, संस्कृत का है, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो पिछले 5 साल से कर रही हूँ, मेरे साथ तो वो टच कुछ भी गलत नहीं हुआ, और ना मैं कोई पंडित जी को बुलाती हूँ। मैं सिंपल, जैसे मेरे नवरात्रा मेरी बैठाई है, मैं वैसे नवरात्रा बैठाती हूँ हर साल, सुबह के टाइम पे कर लेती हूँ। सप्तशती पाठ के ना कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सिंपल से कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। नवरात्रा के टाइम पे करो तब तो बहुत अच्छा है। देखो, नवरात्रा जो बैठाते हैं उनको पता ही होगा कि 9 दिन हमें पूरा सात्विक रहना है। हमारे घर में प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ भी नहीं बनना चाहिए। प्लस जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो भी अपना सात्विकता बनाए रखे, तो उसको करने से माने पूरा पूर्ण सात्विक होके हमें ये पाठ करना है, तब हमें इसका फल बहुत अच्छे से मिलता है। और बाकी अदरवाइज आप अपना नियम से शांति से करें। मन सच्चा तो सब अच्छा है कि नहीं। भगवान जो होते हैं ना, वो प्यार के, प्रेम के भूखे होते हैं। उनको नहीं चाहिए कि आप उनको सोने का दिया दिखा रहे हो, कि चांदी का दिया दिखा रहे हो, कि 5,000 रुपया दक्षिणा दे रहे हो। भगवान जी कुछ नहीं देखते हैं। जो पहले लोग साधना करते थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ के, गुफा के अंदर बैठ के सालों साल कर लेते थे। वो तो दिया बत्ती नहीं करते थे, वो तो फूल चढ़ाते नहीं थे, सिंपल मन से मंत्र जाप करते थे कि हाँ, उनके जैसा हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता आज के जमाने में तो। लेकिन हाँ, हमें पाठ करना चाहिए, ये चीज मैं जरूर बोलूंगी। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं है, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप भगवान के लिए निकाल सकते हो। हम हर चीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो हम ईश्वर के लिए क्यों नहीं निकाल सकते। कुछ नियम ले लो कि हाँ, मुझे एक ये भगवान जी अच्छे लगते हैं तो मैं इनके एक स्तोत्र पढ़ लूंगी, उनकी एक स्तुति पढ़ लूंगी। तो भी देखना, जो पाठ करता है ना, जो अच्छे कर्म करता है ना, ईश्वर उसकी खुद रक्षा करने आते हैं, खुद दौड़े दौड़े आते हैं। मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में गजेंद्र मोक्ष किताब के बारे में बताऊंगी, उसकी कितनी बड़ी महिमा है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। तो और आपको मैंने बहुत बार बोला है, माता रानी ने मुझे मेरा डुक्कू दिया है, तो जैसे मेरी माता रानी ने गोद भरी, वैसे ही माता रानी से मैं दुआ करूंगी। जिन जिन मेरी फ्रेंड्स को, मेरी बहनों को, बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनकी अभी तक वो माँ नहीं बन पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से या कुछ दिक्कत के वजह से, तो भगवान माता रानी सबकी गोद भरे। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे ना, आपकी सुनी गोद भी भरती है। मेरे को खुद मुझे डुक्कू मिला है। मेरे को डॉक्टर मुझे ऑपरेशन बोल दिया था, मेरे यूट्रस में ना सीड्स हो गए थे। ज्यादा शादी को टाइम नहीं हुआ था, 1.5 साल ही हुआ था, तो लेकिन थायराइड था ही मुझे, शादी के बाद ही मुझे पता चला मुझे थायराइड है, प्लस मुझे सीड्स हो गए थे, तो पूरे मेरे ओवरी का मुंह बंद हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये 3 महीने की मेडिसिन में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आपका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यार, ऑपरेशन के नाम से तो देखिए सबको ही डर लगता है। तो मैंने ट्रीटमेंट तो मैं करवा रही थी, संग संग हम लोग मन्नतें भी मांगते थे, तो उसी बीच में मेरा वैष्णो देवी जाना हुआ। फिर वैष्णो देवी में सबके मुंह से मैंने वहां सुना, जब हम लोग जाते हैं ना चढ़ाई करते हैं, तो सबने बोला कि बेटा यहाँ जो भी मांगो, खास करके बच्चे के लिए कुछ मन्नत मांगी हुई रहती है ना, वो माता रानी सबसे पहले सुनती है। ये सच्ची बात है, दिल से बात है, मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो जा रहे हैं। मैंने अर्धकुंवारी गुफा के बारे में आपको सुना होगा, वहां पे मैं, मेरी सास 2 जन ही जा पाए और कोई नहीं जा पाया। हम लोग 8 जन गए थे, 8 जन में सिर्फ मुझे और मम्मी को ये मौका मिला। वो कूपन जो होते हैं ना, कूपन ही खत्म हो गया था। मेरे जेठ जेठानी ससुर जी सब बाहर खड़े थे, सिर्फ मैं और मेरी सास हम दोनों जन को ही कूपन मिला था। वो भी नसीब की बात होती है। तो मैं उस अर्धकुंवारी गुफा के अंदर, इतना छोटे से मुंह के अंदर से निकलना रहता है, निकली भवन के दर्शन की और किए। मैं वहां दर्शन करके आई थी 25 मार्च के आसपास, मैं कलकत्ता पहुंची थी। 25 मार्च से लेके मेरा 25 दिसंबर के अंदर, 16 दिसंबर को मेरा डुक्कू पैदा हो गया।
मैं वहां मन्नत मांग के आई थी माता रानी से कि माँ मेरी सुनी गोद भर दो, अगर आप मुझे मेरा संतान दे दोगे ना तो मैं उसको लेके आऊंगी, आपके दर्शन करूंगी, आपको छतर चढ़ाऊंगी। मुझे 9 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, मेरा डुग्गू मुझे मेरी गोद में मिल गया था। तो मैं फिर वापस गई माता रानी के दर्शन किए, डुग्गू को दर्शन करवाए, छतर चढ़ा के आई हूँ मैं। तो इसी तरीके से माता रानी ने जैसे मेरी मुराद सुनी, मेरी इच्छा सुनी, मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब माता रानी के लिए भगवान पे, ईश्वर पे अपना थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। आप देखिए जरूर होगा, एक ना एक दिन मास हो या नारायण हो, सब भगवान जी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। लेकिन हाँ ये है, हमें लगातार उनको सिमरते रहना चाहिए, ये नहीं कि बस दुख दुख में सिमरे, सुख में तो हम जय राम जी की, फिर हम कैटरीना और करीना को याद करने लग जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा, खाली भगवान पे आस्था रखिए। रोज एक नियम बना लीजिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, बहुत अच्छा फल देता है, घर में सुख शांति समृद्धि लेके आता है, हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो जय माता दी, मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे भगवान जी के टॉपिक पे बात करने के लिए। ठीक है, बाय।